इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है जो वो समय समय पर उठाती रही है। कांग्रेस चाहती है कि मत पत्रों के जरिए उपचुनाव हो। कोरोना संक्रमण के चलते उपचुनावों में ईवीएम का उपयोग ना हो, ऐसा कहना है कांग्रेस का। मतदान के दौरान ईवीएम मशीनों का सैनिटाइजेशन संभव नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता निलाब शुक्ला ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इस बार बैलेट पेपर से उपचुनाव में मतदान करवाया जाए। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर इस वक्त हलचल काफी तेज है मध्य प्रदेश में। तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस की मांग, बैलेट पेपर से हो उपचुनाव। आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि प्रदेश में भी कुछ महीने कोरोना संक्रमण रहेगा और हमें इसके साथ ही रहना है, लेकिन आगामी कुछ महीनों में प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा के, तो चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि चुनाव ईवीएम मशीन से न कराते हैं, मत पत्रों से कराते, क्योंकि ईवीएम मशीन के बटनों पर सभी मतदाताओं के हाथ लगेंगे और ईवीएम मशीन को सैनिटाइज करना संभव नहीं और आसान नहीं है। इसके बजाय जो मत पत्र हैं और उसकी जो सील होती है उसे सैनिटाइज करना बहुत आसान है, या हम उस सील की संख्या बढ़ा सकते हैं और बारी बारी से मतदाताओं को दे सकते हैं सैनिटाइज करके। तो चुनाव के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण वापस नहीं फैले, इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस बार चुनाव ईवीएम पद्धति से न कराते हुए इसे मतपत्रों से कराया जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे।